2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए अपडेट लेकर के आया हूँ कब से फॉर्म निकल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में से एक केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया भी होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर जो ट्रांसफ़र हुए हैं कर्मचारी उनके बच्चे या फिर PSU सेक्टर जिनमें केंद्र सरकार के 51% से अधिक की हिस्सेदारी है या फिर RTE के तहत जो लोग आते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपकी एक बेटी है तो भी आप अपने बेटी का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत। तो यहाँ पर विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कौन कौन से लोग इसमें एडमिशन करवा सकते हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको लगाने पड़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आपको अपडेट देने जा रहा हूँ कि कब से एडमिशन फॉर्म निकल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हर साल फरवरी के सेकेंड वीक में जो एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाता है, सो अभी फ़िलहाल इस साल अभी तक ये जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है और वेबसाइट जो है केंद्रीय विद्यालय की उसके हिसाब से कुछ अपडेट्स जो निकल करके आए हैं वो 28 फरवरी या फिर उसके आसपास फॉर्म निकल सकते हैं, 28 फरवरी से या फिर उसके अगले हफ्ते फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के निकलने जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में करवाना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप तैयार कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स। उम्मीद पूरी है कि 28 तारीख के बाद कभी भी उस बीच में फॉर्म निकल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए।